टेक्नोरिव्यूज में आपका स्वागत है और आज दोस्तों आप सभी लोगों को मैं OPPO Reno 4 Pro के बारे में बताऊंगा और साथ में हम इसका एक गिव अवे करेंगे इस वीडियो में। तो उसकी जानकारी तो आपको बताइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ ग्लीम की, वहां पर जाएगी आपको मिल जाएगी और कमेंट में एंट्री डन करने से कुछ नहीं होगा, ग्लीम की लिंक से ही आप जाके पार्टिसिपेट करिएगा। बाय द वे दोस्तों, ये स्मार्टफोन हाल ही में इंडिया में लॉन्च हुआ था, इसकी जो प्राइस है वो 35,000 की है, 8GB रैम 128GB स्टोरेज। प्राइस मेरे ख्याल से OPPO और भी एग्रेसिव रख सकता था तो और भी अच्छा होता था, क्योंकि आपको पता है पहले तो OPPO की ब्रांडिंग, दूसरी चीज ऑफलाइन ऑनलाइन वाला सीन होता है, तीसरी चीज GST, तो इसलिए आपको 35,000 की प्राइस मिल जाती है। अब यहां पर इस फोन में दोस्तों कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे काफी पसंद आई है, जिनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले अगर डिस्प्ले की बात करते हैं तो आपको यहां पर दोस्तों इसमें 6.5 इंच की फुल HD प्लस की एक AMOLED डिस्प्ले मिलती है, डुअल कर्व्ड डिस्प्ले यहां पर, जो बहुत इंप्रेसिव है, और साथ में सिंगल पंच होल है जो बहुत ही छोटा सा है, जो एक्चुअली में आपके एक्सपीरियंस को बिल्कुल भी खराब नहीं करेगा, वो इतना ज्यादा नोटिसेबल नहीं है। और साथ में 92% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है और जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है दोस्तों वो काफी कमाल की है, व्यू एंगल्स काफी बढ़िया है, जो कलर्स है वो सब कुछ आपको अच्छा मिल जाता है। इसमें दोस्तों अप टू 1100 की आपको पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, जो काफी इंप्रेसिव बात है। साथ में OPPO की OSIE इंजन टेक्नोलॉजी के साथ में मिलता है, तो जो फ्रेम रेट्स में आपको काफी हेल्प करता है, कलर्स वगैरह में हेल्प करता है, तो जो डिस्प्ले की क्वालिटी है दोस्तों वो काफी बढ़िया है, 90Hz रिफ्रेश रेट है, तो जो एक्सपीरियंस आपका होगा वो भी यहां पर काफी स्मूथ होने वाला, तो वहां पर वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैं एक हफ्ते से इस फोन को यूज कर रहा हूं दोस्तों, ये कोई फुल रिव्यू नहीं है, वैसे छोटा मिनी रिव्यू आप यहां पर समझ सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों डिजाइन की बात करेंगे तो पीछे वैसे आपको ये ग्लास नहीं है, ये पॉलीकार्बोनेट बैक है, लेकिन 3D मैट आपको डिजाइन मिलता है, हल्के कर्व्ड एजेस आपको मिलते हैं, ग्रेडियंट यहां पर इफेक्ट है, तो थोड़ा डिफरेंट लगता है, फील थोड़ा अलग आता है। और साथ में दोस्तों ये 161 ग्राम्स का है, 7.7 mm की आपको थिकनेस पर मिलता है, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, काफी स्लिम है दोस्तों, ये एक चीज इसकी बहुत ही अच्छी, इसका जो फॉर्म फैक्टर है वो काफी कमाल का है। हाथ में जब आप इसको यूज करते हैं तो एक्चुअली में ऐसा लगता नहीं कि आप एक बड़े डिस्प्ले वाला फोन यूज कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप एकदम से छोटे साइज की स्क्रीन का हल्का फुल्का सा फोन यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ वैसे फील होता है। तो डिजाइन के मामले में जो फॉर्म फैक्टर है वो काफी इसका इंप्रेसिव है। वैसे दोस्तों इसके अंदर आपको 4000mAh की बैटरी मिलती है, टिपिकल है, जो ना एकदम ज्यादा है ना एकदम कम है, लेकिन 65W की आपको चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, उनका सुपर वूक वर्जन 2 वाला है। इसके थ्रू दोस्तों ऑलमोस्ट 36 मिनट्स में आप इस फोन को फुल चार्ज कर सकेंगे, जो एक्चुअली में काफी इंप्रेसिव बात है, और मैं इस पर एक पूरा वीडियो बनाऊंगा, तो मैं अपने रियल टाइम टेस्ट करना चाहता हूं कि कितना जल्दी ये फास्ट चार्ज होता है, उसके लिए आप 1-2 दिन में या 3-4 दिन में वो वीडियो आएगा, उसके लिए आप स्टे ट्यून करना। उसके अलावा दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो ऑनेस्टली कहता हूं नॉर्मल डे टू डे लाइफ में मुझे इस फोन में कोई इशू नहीं हुआ था, UFS 2.1 का स्टोरेज आपको मिलता है, LPDDR4X रैम है, तो ठीक है। और गेमिंग वगैरह भी दोस्तों काफी अच्छी थी, क्योंकि जो प्रोसेसर है दोस्तों हमने बहुत फोन्स में देखा है और यूज्ड प्रोसेसर है, तो परफॉर्मेंस आपको वहां पर अच्छी मिल जाती है, तो वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे दोस्तों बात करते हैं यहां पर इसके कैमरे की, तो आपको पीछे 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है, जहां पर प्राइमरी दोस्तों सोनी IMX586 सेंसर है, F1.7 का अपर्चर है, 4K वीडियो शूट कर सकते हैं, आपको EIS वगैरह मिलता है, नाइट मोड है, पोर्ट्रेट ब्यूटी, AI वाले बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, अल्ट्रा स्टडी मोड मिलता है, उसके अलावा 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है, साथ में आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, इसको स्किप करके 8 में एडजस्ट कर सकते थे, और साथ में आपको 2 मेगापिक्सल का मोनो मिलता है। वैसे सेल्फी की बात करेंगे तो 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है, IMX616 सेंसर है, F2.4 का अपर्चर मिलता है, साथ में इसमें भी आप फुल HD वीडियो शूट कर सकते हैं और यहां पर भी आपको EIS वगैरह देखने को मिलता है। अगर मैं कैमरे के सैंपल्स की बात करूं दोस्तों, तो रियर से काफी इंटरेस्टिंग पिक्चर्स निकल कर आए थे दिन के अंदर, जहां पर बोके वगैरह देखेंगे वो आपको अच्छा मिलता है, जो कलर्स है वो यहां पर एक्यूरेट है, साथ में काफी नेचुरल फोटोज भी निकल कर आए थे, जो शार्पनेस थी वो सब कुछ अच्छे थे, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम मुझे रियर कैमरे से नहीं हुआ दिन के अंदर। और बोके शॉट्स देखते हैं दोस्तों, तो वो भी काफी अच्छे हैं, जो एज डिटेक्शन है वो अच्छा है, जो बैकग्राउंड में बोके है वो सब कुछ आपको यहां पर अच्छा मिल जाता है, तो रियर कैमरा दोस्तों अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि जो सेंसर है इसमें दोस्तों वो काफी पुराना है और अच्छा सेंसर है, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं होगी। अल्ट्रा वाइड शॉट्स की बात करेंगे तो अच्छे खासे अल्ट्रा वाइड शॉट्स यहां पर निकाल सकेंगे, कोई कलर शिफ्टिंग का मेजर इशू यहां पर मुझे नहीं दिखाई दिया, तो अच्छे आपको अल्ट्रा वाइड शॉट्स मिल जाते हैं। साथ में मैक्रो की बात करेंगे तो अच्छे खासे आप मैक्रो शॉट्स भी यहां पर निकाल सकते हैं। वैसे इसमें आपको अप टू 10x डिजिटल जूम भी मिलता है, तो आप देखेंगे मैं आपको 1x 2x 5x 10x के शॉट्स दिखा रहा हूं, तो वो आप देख सकते हैं, अगर आपको इन केस लेना है तो वो भी मौका आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है। सेल्फी की बात करेंगे दोस्तों, 32 मेगापिक्सल की, तो वो डिफाइन कर रहा है अपने आप को, और देखेंगे क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाती है, जो शार्पनेस है दोस्तों वो मुझे काफी अच्छी लगी, और बैकग्राउंड में जो बुके आया है वो अच्छा है, और जो एच डिटेक्शन है दोस्तों वो भी आपको अच्छा मिल जाता है, तो दिन में दोस्तों आपको अच्छी खासी सेल्फी लेने मिलती है और बुके वगैरह सब कुछ अच्छा निकल कर आ जाता है, तो उस मामले में दोस्तों मुझे वैसे कोई कंप्लेंट्स नहीं थी। अब वीडियो की बात करेंगे दोस्तों, तो रियर के अंदर आपको इसमें स्टेबिलाईशन अच्छा मिलता है, तो अच्छे खासे आप स्टेबल वीडियोस यहां पर निकाल सकते हैं, और वीडियो की क्वालिटी दोस्तों दिन में आपको यहां पर अच्छी मिल जाती है, तो आपका काम यहां पर निकल जाएगा।
और ऑटो फोकसिंग की बात करेंगे दोस्तों तो ऑटो फोकस भी इसका काफी अच्छा है। देखेंगे ये बॉटल को मैंने सामने लेके आया, प्रॉपरली फोकस कर लिया, फिर हटा देता तो हट जाता है और इस तरीके से आपको ऑटो फोकसिंग मिलती है, तो यहां पर वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और एक और चीज दोस्तों, वीडियो में आपको इसमें वीडियो बुके भी मिलता है, जी हाँ, और ये काफी प्रीमियम फीचर लगता है मुझे इस फोन का, जहां पर बैकग्राउंड पूरा एकदम मस्त बुके स्टाइल में रहेगा और ये आप पे फोकस करता है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अच्छे खासे बुके वीडियोस यहाँ पर निकाल सकते हैं। बात करेंगे सेल्फी की दोस्तों, सेल्फी वीडियो ठीक है, इतना ज्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब और भी बेटर हो सकता है जहां तक मुझे ऐसा लगता है। क्वालिटी ठीक है, बैकग्राउंड में दोस्तों डायनामिक रेंज मुझे इतना खास नहीं लगा है, तो कुछ इस तरीके की सेल्फी में आप वीडियोस निकाल सकते हैं। हाउएवर सेल्फी में भी आपको वीडियो बुके मिलता है, तो वो भी एक एडवांटेज है जिसका आप सेल्फी में भी फायदा उठा सकते हैं। नाइट की बात करेंगे दोस्तों, तो नाइट में ऑनेस्टली कहता हूं मैं काफी इंप्रेस था इसके पिक्चर्स से, जो क्वालिटी देखेंगे काफी बढ़िया है, ब्राइट है, नॉइज भी आपको कम मिल रहा है, शार्पनेस वगैरह सब कुछ अच्छी थी, तो ऑनेस्टली कहता हूं ओप्पो के फोन में मैंने पहले भी फोटोज वगैरह निकाला था तो नाइट में अच्छा काम करता है, तो इसमें भी आपको कुछ वैसे ही क्वालिटी देखने को मिल जाती है। और सेल्फी में भी दोस्तों आपको नाइट मोड मिल जाता है, तो वहां पर भी आप देखेंगे शार्पनेस अच्छी है, क्लियर है, तो अच्छे खासे नाइट में आप सेल्फीज यहां पर निकाल सकते हैं, तो ये भी मौका उन्होंने सेल्फी में आपको प्रोवाइड किया है। तो ये दोस्तों मेरा एक हफ्ते का एक्सपीरियंस था ओप्पो रेनो 4 प्रो से रिगार्डिंग, जो मैंने आपको उसके बारे में बता दिया हूं, और अब पूरे डिटेल में इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चाहते हैं डिमांड पे मैं बनाऊंगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका डिटेल रिव्यू करूं तो आप मुझे बताना, तो मैं इसका पूरा डिटेल रिव्यू 15-20 मिनट वाला वीडियो लेके आऊंगा, जहां पर और भी जानकारी मैं आपको इस फोन के बारे में दे दूंगा। इतना ही है दोस्तों इस वीडियो में, वीडियो पसंद आए कि लाइक करना, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।